चलो गाइस अब इसे ट्राई करने का वक्त आ गया, अब ट्राई करते हैं और देखते हैं इसकी कंफर्टेबिलिटी कैसी रहती है। कैसा लग रहा है? मस्त। चलो रेडी करते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताओ? बढ़िया रहा, बिल्कुल हवा नहीं घुसी अंदर। जैसे अगर मोटर ब्लॉगिंग के लिए अगर माइक अंदर लगाते हैं तो वन ग्लास नहीं आया अंदर, जैसे माइक होते हैं वो चीज। और बहुत बढ़िया है, हेलमेट है, चेकआउट जरूर करना। लिंक तो आए, लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे तो एक भैया मिल गए थे हमें, तो बाइक वाइक के बारे में पूछ रहे थे कि क्या है कैसे है, तो देखो आगे क्लिप में क्या होता है। हेलो हेलो भैया, भैया आपकी मेरे को बाइक बहुत अच्छी लगी। हाँ भैया, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था, ये आपने मेरे को कई लड़के बोलते हैं, ये आपने लगवाया या लगा लगाया था कंपनी से? नहीं, ये मैंने लगवाया एक्स्ट्रा, और कोई सी भी कंपनी ये लगा के नहीं देगी आपको। ये आपको हमेशा अलग से एक्स्ट्रा लगवाना पड़ता है, दो दो ढाई हज़ार रुपये आते हैं, और कंपनी के लिए आते हैं वो, और ये चीज़ आपको लगवानी पड़ेगी। ये आपका वेट कटर है, ये आगे की ये आपको क्रैश गार्ड होता है, जैसे बाइक अगर आपकी लेट गई तो ये चीज़ आपको बचाती है। ठीक है जी। और ये लाइटें हैं, मैंने ये तो एक्स्ट्रा ही फिटेड होती है सारी लाइटें, तो ये किसी भी बाइक में नहीं आ रहा? नहीं, किसी भी बाइक में नहीं आएगा, ना रॉयल एनफील्ड में आएगा, ना केटीएम में आएगा, ना डोमिनार, ना टीवीएस अपाची, किसी में भी नहीं आएगा। बजाज वालों की भी कोई बाइक? हाँ, वो डोमिनार जो है। ठीक है, ये अलग से लगवाने पड़ते हैं। भैया हेलो बोल दो व्लॉग में भी। यहाँ पे बच्चे मिल गए थे, वो अपनी साइकिल से व्हीली और स्टॉपी कर रहे थे, तो देखो अब और